ये तोहफा गुजरात के टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक नया नजराना बनेगा। ये भूमि प्रेरणा के लिए भी है, प्रवासन के लिए भी है। पिछले कुछ वर्षों से हमने टूरिज्म की तरफ ध्यान दिया और आज देश में टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छा काम करने की दिशा में भी आपने हमें सम्मानित किया, इसलिए मैं आभारी हूँ। आज जब हम सरदार साहब का स्मरण करते हैं, देश की एकता के लिए सरदार साहब ने जो काम किया है, तो आने वाली सदियों तक हम सब के लिए एक बहुत बड़ी वो विरासत देकर के गए हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए उनका जीवन समर्पित था, लेकिन आज चाहे माओवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, इस देश को तोड़ने के लिए इतनी साजिशें हो रही हैं। और एक बार आप ही ने कहा था कि माओवाद इस देश के लिए बहुत बड़ा संकट है। आज जब हम सरदार साहब को स्मृति में बने हुए स्थान पर खड़े हुए हैं, तब मैं देश के उन नौजवानों से आग्रह से कहूंगा जो गुमराह हुए हैं, जिन्होंने बम बंदूक का रास्ता लिया है, उनको प्रेरित करने वाली दुनिया की कोई भी शक्तियां क्यों ना हो, वे कभी भी अपने मार्ग पर सफल नहीं होंगे। ये गांधी और सरदार की भूमि है, यहां पर बम बंदूक का रास्ता कभी भी किसी को सफल नहीं होने देता। और जो इस रास्ते पर गए हैं, वे न इस देश का भला कर सकते हैं और न ही जिस समाज या बिरादरी से वो आते हैं उनका भी भला कर रहे हैं, और शायद सबसे ज्यादा नुकसान वो अपने समाज का, अपनी बिरादरी का करते हैं। और इसलिए सरदार साहब जैसे महापुरुषों को याद करके, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों को याद करके, समय की मांग है कि बम बंदूक का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा में आकर के राष्ट्र की विकास यात्रा में सारे नौजवान भागीदार बने। पंजाब हमारे सामने उदाहरण है, कितना खून खराबा चलता था, लेकिन समय रहते वही नौजवान मुख्य धारा में आए और आज पंजाब चहु दिशा में विकास कर रहा है। और इसलिए आतंकवाद हो, माओवाद हो, हिंसा हो, बम बंदूक की राजनीति हो, इससे कभी भी न किसी समाज का भला होता है, न कभी देश का भला होता है, और न ही कभी आने वाली पीढ़ियों को कोई अच्छी चीज मिल सकती है। इसलिए सरदार साहब को जब स्मरण करते हैं और देश की एकता को स्मरण करते हैं, तब देश की एकता को चुनौती देने वाली हर शक्ति के सामने हम लोगों ने जहां जरूरत पड़े वहां शक्ति से, और जहां जरूरत पड़े उन गुमराह नौजवानों को वापस लाने की दिशा में हम सरदार साहब से प्रेरणा लेकर के देश की एकता को मजबूत दिशा बनाने के लिए जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही देश का भला होगा। आज जब मैं सरदार साहब का स्मरण करता हूं, तब एक छोटी सी घटना कहकर के मैं अपनी बात को विराम दे दूंगा। 1919 में, बहुत पुरानी बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी के काउंसिलर थे। वो कितने विजनरी थे, कितना दूर का सोचते थे, और शायद इस बात को दुनिया को भी पता नहीं है, आज विमेन रिजर्वेशन के लिए भांति भांति के कोई दावे होते हैं, कोई कहता है मैंने किया, कोई कहता है मैंने किया। 1919 में अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में जब सरदार पटेल एक काउंसिलर थे, 1919 में वो एक प्रस्ताव लाए थे और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में विमेन रिजर्वेशन का प्रस्ताव यहां पारित करवाया था सरदार साहब ने, सर्वसम्मति से पारित करवाया था। 1919 में भी विमेन रिजर्वेशन की सोच रखने वाले सरदार साहब कितना दूर का सोचते होंगे, ये इसको देखते लगता है कि सरदार साहब हमें क्या कुछ दे सकते थे। आज भी हिंदुस्तान में अर्बन टाउन प्लानिंग, अगर अर्बन टाउन प्लान की सबसे बड़ी देन कोई की थी, तो जब सरदार पटेल यहां के मेयर थे उस समय हिंदुस्तान में पहले अर्बन प्लानिंग कंसेप्ट को विकसित किया था, इतना दूर का सोचते थे। लेकिन इस देश को हम समय हमेशा एक गिला सिकवा रहेगा, एक दर्द रहेगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में एक दर्द रहेगा। काश सरदार साहब हमारे पहले प्रधानमंत्री होते तो आज
देश की तकदीर भी अलग होती है, देश की तस्वीर भी अलग होती है। सरदार साहब की कमी यह देश सदा सर्वदा महसूस करेगा। सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करके, सरदार साहब के जीवन को, उनके कार्य को स्मरण करते हुए हम सब देश की एकता के लिए अपने जीवन में काम करें, इसी एक अपेक्षा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय जय गरीब गुजरात।